रोड का, डीजल का, ये भी समस्या है। मैं बहुत 15 साल से इसके पीछे लगा हूँ और आप अभी मैं आपको आमंत्रित करूँगा कि जरा इस स्टेशन में अगले सप्ताह मेरे घर पर आइए, मैं हाइड्रोजन पर चलने वाली कार में आपको चक्कर दूंगा। अध्यक्ष, हमारा जब दिन वो दूर नहीं है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3-4 प्रकार का होता है। ब्लैक हाइड्रोजन यानी जो कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन यानी पेट्रोलियम से बनता है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि अब पेट्रोल डीजल के बजाय हम लोग अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोसीएनजी, बायोएलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पर आइए। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, बहुत आसान काम है। आपके हर जगह पर नगर पालिका और महानगर पालिका में गंदा पानी है, सीवेज वाटर। मैं 7 साल पहले पीछे लगा और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का टॉयलेट का पानी मैं महाराष्ट्र सरकार को बेचता हूँ। आपको पता लगेगा, आश्चर्य होगा कि 325 करोड़ रुपए हमको साल के मिलते रॉयल्टी टॉयलेट का पानी बेचकर। अब उसी पानी को अच्छा बनाकर जो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें हमारे कचरे में ग्लास है, मेटल है, ऑर्गेनिक है, इसको सेग्रीगेट करके रूफटॉप सोलर और छोटी विंड मिल जो गुजरात में बनती है उसको लेकर, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है और पावर में हमारे पावर मंत्री भी बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसलिए आगे चल के उन्होंने काफ़ी देने वाले सहूलती, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट अगर वो पावर मिल जाएगी तो पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, फिर उसको एक विशिष्ट बार तक प्रेशराइज करना पड़ता है, तो जनरेटर जो होगा वो इथेनॉल पे होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइड्रोजन सबसे सस्ता फ्यूल होगा। और ये मैं बहुत दिनों से, जब से मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो लोग मुझे हंसते थे, मैं इथेनॉल की बात करता था, बायोफ्यूल की बात करता। आपको पता है अब सब लोग करने लगे, शायद मेरे समझाने में कुछ कम पड़ा होगा, शायद मैं समझा नहीं पाया होगा, पर आज आज सब लोगों को लगता है कि ये होना चाहिए क्योंकि पेट्रोल डीजल अपने हाथ में नहीं है और पोल्यूशन हो रहा है। और इसलिए मैं आज सदन से अनुरोध करूंगा कि आज ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट में आप इनिशिएटिव लीजिए। अभी सिंह साहब उसके ऊपर स्कीम ला रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइजर भारतीय इंजीनियर्स ने, मैं इनॉग्रेशन के लिए जा नहीं पाया बेंगलोर में, हमारे अमेरिका के 4 इंजीनियर हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर बनाया ₹1.20 करोड़ का, अब वो हर जिले में बनाएंगे और उसमें गंदे पानी को शुद्ध करके रूफटॉप सोलर। अब सोलर हमारे बास्केट में 38% सोलर पावर है और इसलिए हम कोई कोयला जला के पावर की बात नहीं कर रहे हैं, और सोलर पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मो, अनेक प्रकार की एनर्जी आ रही है, तो हम सब प्रकार की अल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी के पीछे जाएं, ताकि कोल से एनर्जी अच्छी नहीं है। और पेट्रोलियम एनर्जी में हम इंपोर्ट करते हैं, हम एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाले बने, यही प्रधानमंत्री की। और इसलिए 3,000 करोड़ रुपए का हाइड्रोजन मिशन जाहिर हुआ है, लाल किले पर प्रधानमंत्री ने जाहिर किया है। आप सब लोग आग्रह करेंगे तो आज सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, रेलवे, हवाई जहाज सब इस पर चलेंगे तो हमको पेट्रोल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं आपको बात करता हूँ। आप इलेक्ट्रिक लोग मुझे बोलते कितने साल में आएंगे, कब आएंगे, कोई जरूरत ही नहीं बोलने की। मेरे पास आंकड़े, अभी बस का राइज 1200% हुआ, स्कूटर, टाटा की इलेक्ट्रिक की अभी गाड़ी आई है, लोग मुझे बोलते पत्र दो, गाड़ी मिल रही है। आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक की आज से मैक्सिमम 2 साल के अंदर पेट्रोल की स्कूटर मोटरसाइकिल, पेट्रोल की ऑटो रिक्शा और पेट्रोल की कार, इसके बराबर इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की कीमत होगी। मैं आपको बता रहा हूं, अभी लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम होती जा रही है और हमने जो केमिस्ट्री पे काम शुरू किया हमारे देश में, हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IIT स्टार्टअप ने, उसमें हम लोग केवल लिथियम आयन नहीं, झिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, इस केमिस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं और आने वाले समय में यह सब डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक में आपको बताता हूं कि अगर पेट्रोल के लिए अगर आप 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक के लिए 10 रुपये लगेंगे, आवाज भी नहीं आता, धुआं भी नहीं निकलता और इतनी अच्छी गाड़ी, अभी ये गिरिराज जी भी यूज कर रहे हैं, मैं भी 1 साल से इलेक्ट्रिक SUV यूज कर रहा हूं, अब तो अच्छी अच्छी आई है। इसके साथ सबसे बड़ी बात हमारे सरकार ने की, इथेनॉल लाया। अब इथेनॉल जो है वो फ्लेक्स इंजन लाया हमने, फ्लेक्स इंजन की एडवाइजरी इशू की है, टोयोटो, सुजुकी और हुंडई तीनों ने भी एक्सेप्ट किया है कि 6 महीने के अंदर गाड़ी आएंगी। और अभी TVS और बजाज और हीरो तीनों की मैंने लॉन्च भी कर दी स्कूटर, 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल 62 रुपीज़ लीटर, पेट्रोल अब मालूम नहीं आज क्या भाव है। और अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के ऊपर लाने की भी टेक्नोलॉजी लाई है, वो आकर मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन और उनको प्रेजेंटेशन दिया है। तो आने वाले समय में हमारा किसान, गन्ना उत्पादक किसान, शुगर कैन यूज टू इथेनॉल, बी मोलाइसिस टू इथेनॉल, सी मोलाइसिस टू इथेनॉल, कॉर्न टू इथेनॉल, ब्रोकन राइस टू इथेनॉल, बायोमास टू इथेनॉल, हम वेस्टलैंड पर बांबू लगाए, बांबू टू इथेनॉल, आसाम में बांबू से इथेनॉल बनना शुरू हो गया। और इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है
तो 25,000 करोड़ 5 साल के बाद हमारा इंपोर्ट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का होगा। उसको अगर बचाना है तो आज हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस फ्यूल पे जाना होगा, और हमारा प्रयास है कि ये फ्यूल जल्दी आ जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पोल्यूशन भी कम होगा, जो दिल्ली की आज स्थितियां है वो नहीं रहेगी। और